गाइज, यूक्रेन रशिया के इशू के बारे में एक बहुत अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, नाटो के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यूक्रेन का मुद्दा, यूक्रेन के इशू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि जब भी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो जब भी लोकेशन वगैरह न्यूज में आती है या कहीं पर भी लोकेशन आती है, तो आपका तुरंत ध्यान जो है वो जाना चाहिए कि जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं वहां पर आपको तो पहले तो दीवार पर एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप लगाना है और बड़ा सा इंडिया का मैप लगाना है, और जब भी लोकेशन की बात आ रही है तो तुरंत उस मैप की तरफ आपको देखना है। तो दिस इज द फोरमोस्ट थिंग जो कि आपको करनी है, राइट? तो चलिए, जिनके घर पर भी बड़ा सा मैप है, आप मैप के पास जाएं और यूक्रेन की लोकेशन देखें। जिनके पास नहीं है, ध्यान दें। मैं आपको बताता हूं कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन तक पहुंचने के लिए हमको शुरुआत करनी है इंडिया से। तो इंडिया के आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे तजाकिस्तान, राइट? आप देखेंगे किर्गिस्तान, आप और ऊपर जाएंगे आपको कजाकिस्तान जो है वो दिखाई देगा। फिर वहां से आपको वेस्ट की तरफ जो है वो लेना है, राइट? आप वेस्ट की तरफ जो है वो जाएंगे तो आपको यूक्रेन दिखाई देगा, और यूक्रेन के नीचे देखिए आपको ब्लैक सी दिखाई दे रही है। अब जब आप एक पर्टिकुलर लोकेशन को देख रहे हैं तो उसके आसपास के रीजन को भी देखें, जैसे बेलारूस आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, पोलैंड आपको दिखाई दे रहा है, स्लोवाकिया आपको दिखाई दे रहा है, राइट? हंगेरी कंट्री आपको दिखाई दे रही है, रोमानिया दिखाई दे रही है, मोल्दोवा दिखाई दे रहा है, राइट? ब्लैक सी आपको दिखाई दे रही है नीचे, राइट? वहीं पर ही देखिए आप रशिया जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, यूक्रेन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, राइट? तो ये सब एक अच्छी जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए। जब भी पढ़ो तो मैप को जो है वो ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन जो है वो करनी है, राइट? कोई मुझे बता सकता है कि यूक्रेन की कैपिटल क्या है? एक सिंपल सा क्वेश्चन, नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर आप लिखकर बताएं। सो गाइस, ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है, सबसे पहले मैं आपको इस चीज के बारे में बताता हूं। तो अभी पिछले दो हफ्तों से अमेरिका, नाटो और यूक्रेन के जो अधिकारी हैं, ये डिस्कशन कर रहे हैं, इनके बीच में वार्ता चल रही है कि रशिया ने अभी अपनी सैन्य गतिविधियां जो है, मिलिट्री एक्टिविटीज जो है वो इंक्रीज कर दी है यूक्रेन के आजूबाजू, यूक्रेन के पास में, राइट? अपनी सैन्य गतिविधियां इंक्रीज कर दी है, तो इसको लेकर एक टेंशन फिर से जो है वो डेवलप हो रही है। बट आपको ये समझना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या इश्यूज थे, राइट? तो देखिए, 2013 में ये इश्यूज बढ़ गए। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊंगा और बहुत आसान तरीके से हम लोग ये इंटरनेशनल मुद्दे को समझेंगे। देखिए, रशिया और यूक्रेन ये दोनों सोवियत यूनियन के मेंबर्स थे, राइट? रशिया और यूक्रेन ये दोनों सोवियत यूनियन, सोवियत संघ के मेंबर्स थे। फिर सोवियत संघ जो है वो अलग हुई। फिर हुआ ये कि यूक्रेन दोस्ती करने लगा वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। अब आप एक चीज को समझिए, आपका बचपन का दोस्त प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी में आपके साथ रहो, और अचानक से कॉलेज जाने के बाद आपसे उसका उठना बैठना बंद हो गया, आपसे उसकी मुलाकात जो है वो बंद हो गई, यानी कि उसने आपसे दूरी करना शुरू कर दिया, उसको नए दोस्त मिल गए, तो आपको बुरा नहीं लगेगा? पहले वो आपके साथ घूमने जाता था, आपके साथ जो है वो खाना पीना खाने जाता था, आज की डेट में आपको छोड़ दिया उसने, अब आपके पास कोई साथी नहीं है घूमने जाना, तो आपका क्या हो रहा है? आपका इंटरेस्ट खराब हो रहा है, आपको लग रहा है कि अरे यार मुझे कहीं निकलना है, पहले ये चलता था मेरे साथ, आज की डेट में कोई है नहीं, मैं तो अकेला सा पड़ गया। रशिया के साथ वही हुआ। कभी भी इंटरनेशनल रिलेशन समझना है तो सिंपल तरीके से चीजों को समझोगे तो बहुत मजा आएगा और बहुत आसानी से पूरी चीज क्लियर हो जाएगी, राइट? तो यूक्रेन ने दोस्ती करना शुरू कर दिया वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, अमेरिका के साथ। और आपको एक चीज तो जनरली पता ही है यार कि रशिया और अमेरिका की बनती नहीं है, दोनों जो है वो कट्टर दुश्मन है, राइट? दोनों की पॉलिसीज अलग रहती है, एक दूसरे के विरोधी, ये हम लोग को मेन इश्यूज पर देखने को मिलते हैं, राइट? तो ये चीज तो जग जाहिर है, सभी को पता है इसके बारे में। अब रशिया के बगल में यूक्रेन है, राइट? और यूक्रेन यूनाइटेड स्टेट्स का दोस्त है, तो ऑब्वियस ही बात है, ये बात तो बिल्कुल भी रशिया को पसंद नहीं होगी, यार ये तो गड़बड़ी हो रही है। जैसे कि हमारे केस में अगर हम लोग बात करें, तो हमारी जो नेबरिंग कंट्री की बात करें, अब देखिए हमारी जो नेबरिंग कंट्री चाइना, पाकिस्तान, ये दोनों से हम लोग की जो है वो बनती है नहीं, और चाइना और पाकिस्तान दोनों अभी आपस में दोस्ती कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये हमारे इंटरेस्ट के लिए खराब है, बात समझ रहे हो? इस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन को आपको समझना जरूरी है। चलिए आते हैं वापस पिक्चर पे यूक्रेन की। तो हमने क्या देखा कि 2013 में हुआ ये कि काफी सारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डील्स यूक्रेन की यूरोपियन यूनियन के साथ होना शुरू हो गई, जो चीज रशिया ने बिल्कुल भी पसंद नहीं करी। अब रशिया के कुछ सपोर्टर्स यूक्रेन के अंदर है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। ये 2013 की बात है। फिर 2014 में क्या हुआ, तो रशिया ने एक बहाना मारा, इसने बोला कि यार आपके यहां पर, यूक्रेन के यहां पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि रशियन सपोर्टर्स हैं, राइट? आप जो है वो उन लोगों का ध्यान नहीं रख रहे हो, और इसको देखते हुए रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, क्रीमिया पर कंट्रोल कर लिया, राइट? तो क्रीमिया एक टेरिटरी हम लोग को देखने को मिल रही है, उस पर रशिया ने अपना कंट्रोल कर लिया। आपको शायद पता होगा इस G8 ग्रुप ऑफ एट नेशन या G7, आज की डेट में आप G7 के बारे में जानते हो। एक टाइम पर G7 कंट्रीज जो थी, ग्रुप ऑफ सेवन या ग्रुप ऑफ एट कंट्रीज जो हम लोग को देखने को मिलती थी, तो उसमें रशिया शामिल थी। जैसे ही रशिया ने
एक कंट्री की टेरिटरी को अपने कंट्रोल में लिया, यूक्रेन का ये क्रीमिया को अपने कंट्रोल में लिया, तो वैसे ही उसको इंटरनेशनल फ्रंट से हटा दिया गया, G8 से उसको हटा दिया गया, G7 ने उसको रख दिया गया। आप देखो G8 और G7 कंट्रीज का एक टॉपिक अलग है, राइट, उस पर मैं आपसे अलग बात जो है वो करूंगा, बट जिन लोगों को पता होगा इस टॉपिक के बारे में, G7 के बारे में, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री बहुत बार आते हैं, जैसे G20 कंट्रीज आती है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, वैसे ग्रुप ऑफ एक्चुअली में ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज नहीं है, कंट्रीज तो बहुत सारी है क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी जो है उसका हिस्सा है, ये वाली बात आपको पता होगी, ग्रुप ऑफ 20 नेशन आप कह सकते हो, राइट, G20 की बात होती है, वैसे ही G7 की बात होती है, राइट, तो G7 एक टाइप पर G8 हुआ करती थी, और इसको हटाया गया कब, जब रशिया ने क्रीमिया के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। तो अब आपको एक मैटर इंटरनेशनल फ्रंट जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या इशू चला था। अब मैं आपको इसको शॉर्ट में एक समराइज करूं, तो रशिया जो है उसने यूक्रेन के क्रीमिया पर अपना जैसे ही कंट्रोल एस्टैब्लिश किया, क्यों, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जो है वो हैम्पर हो रहा था, क्योंकि यूक्रेन दोस्ती कर रहा था किसके साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, तो उसने ये चीज करी और टेंशन बढ़ना शुरू हो गई। फिर लगातार हम लोग को देखने को मिला कि विवाद होना शुरू हुए, इनके बीच में काफी सारे एग्रीमेंट्स भी हुए थे, पीस एग्रीमेंट्स भी हुए थे, बट वो भी जो है वो लगातार जो है उसका उल्लंघन किया। तो ये 2013 और 2014 की हमने बात करी, फिर क्या हो रहा था यूक्रेन के अंदर, ये नहीं समझिए आप, तो यूक्रेन में काफी सारे लोग जो थे वो रशिया को सपोर्ट करते थे, राइट, वो प्रो रशियन सेपरेटिस्ट लोग थे, वो डिमांड कर रहे थे कि ये सेपरेशन हो जाए, यानी कि पूरी टेरिटरी का, यानी कि यूक्रेन के अंदर जो रशिया को सपोर्ट करते हैं वो अलग हो जाए और जो यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं वो अलग हो जाए, तो ये यूक्रेन का एक विभाजन जो है वो चाह रहे थे, राइट। तो इसके तुरंत बाद यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क इन क्षेत्रों में रूसी समर्थक अलगावादियों प्रो रशियन सेपरेटिस्ट ने कीव से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इन्होंने बोला कि यूक्रेन से ये अलग होना चाहते हैं, यानी कि जो लोग रशिया को सपोर्ट करते थे उन्होंने एक विद्रोह कर दिया, उन्होंने बोला कि हमें यूक्रेन से अलग होना है, हमें आप अलग स्टेट जो है वो प्रोवाइड कराओ, राइट, हमें अलग टेरिटरी प्रोवाइड कराओ, हमें स्वतंत्रता प्रोवाइड कराओ आप, राइट। और इसके कुछ महीनों के बाद भारी लड़ाई हम लोग को देखने को मिली, दंगे देखने को मिले यूक्रेन के अंदर। फिर 2015 में फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता में मिन्स्क में कीव और मॉस्को के मध्य शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जब देखा कि यार ये टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो उसमें जर्मनी बीच में आया, फ्रांस बीच में आया, इन्होंने बोला कि भाई यूक्रेन और रशिया, भाई तुम एक काम करो, दोस्ती कर लो, राइट, झगड़ा मत करो, तुम्हारे इसके कारण देखो कितने सारे सिविलियंस की मौतें हो रही हैं, कुछ डेटा सामने आया कि हजारों की संख्या में सिविलियंस की मौतें हो रही हैं, राइट, आम नागरिकों की मौतें हो रही हैं, राइट। तो इन्होंने बोला, जर्मनी और फ्रांस ने थोड़ा बड़े भाई का रोल प्ले किया, बोला कि भाई तुम दोनों भाई भाई को दोस्ती करो, राइट, शांति बरकरार रखो, राइट। तो ऐसा हुआ, बट कहां शांति बरकरार होती है, कंटिन्यू है, आज भी हम लोग को इश्यूज है वो देखने को मिल रहा है, राइट। तो मिन्स्क, कोई मुझे बता सकते हैं मिन्स्क जो है वो किसकी कैपिटल है, कोई बता सकता है मिन्स्क किसकी कैपिटल है? तो आपको ध्यान में रखना है बेलारूस। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैप की एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि यूक्रेन के आसपास कौन सी कंट्रीज है, तो ये बेलारूस की कैपिटल है। तो जर्मनी और फ्रांस बेलारूस में आए और इन्होंने एक समझौता किया यूक्रेन और रशिया के साथ कि भाई आप जो है वो लड़ाई मत करो, शांति बरकरार रखो, बट बार बार जो है वो इसका उल्लंघन होता रहा, बार बार दंगे होते रहे, राइट। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिए जाने की क्या जरूरत है इस इशू को, तो आपको बता दें गाइस कि देश के पूर्वी भाग जो ईस्टर्न एरिया जो है इस कंट्री का, यूक्रेन का, इसमें कीव और रूस समर्थक विद्रोहियों के बीच जारी लड़ाई में 14,000 लोग मारे गए। और एक रिपोर्ट आती है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की, इस रिपोर्ट ने यह चीज बताया, 2021 की रिपोर्ट थी, अक्टूबर 2021 की, उसमें बताया कि ये जो यूक्रेन का जो मुद्दा चल रहा है इसमें जो लोग मारे गए थे, 14,000 लोग जो मारे गए थे, इसमें से बेकसूर लोग जो थे वो 3,393 थे, बेकसूर लोग जिनका कोई लेना देना नहीं था लड़ाई से, बट वो भी इसकी चपेट में आ गए, राइट। तो ह्यूमन राइट्स का क्लियरली उल्लंघन ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इंटरनेशनली किस प्रकार से रिस्पॉन्स हम लोग को देखने को मिला, तो यूरोपियन संघ की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें और अमेरिका की बात करें, तो इसने क्रीमिया और पूर्वी यूक्रेन में रूस की कार्रवाई के जवाब में कई उपाय किए हैं, राइट, जिसके तहत अन्य उपायों के साथ साथ व्यक्ति, संस्थाओं और रूसी अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करते हुए आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। देखिए क्या था, अब इंटरनेशनल कंट्रीज यहां पर कूदेंगी, तो यूरोपियन यूनियन ने और यूनाइटेड स्टेट्स ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया, यानी कि जो लोग इस एरिया पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे और या फिर जो एरिया है जहां पर ज्यादातर डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा था वहां पर उन्होंने सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया, राइट, इंटरनेशनली ये रिस्पॉन्स हम लोग को देखने को मिला, राइट। एंड रशिया की क्या प्रतिक्रिया है, रशिया ने क्या रिस्पॉन्स दिया, तो रशिया एक्चुअली में ये बोलता है कि नाटो
यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड करा रही है, नाटो यूक्रेन के लोग जो है उनको इन्फ्लुएंस कर रही है, रशिया के अगेंस्ट जो है वो कर रही है। तो ऐसी चीज हम लोग को देखने को मिली, हालांकि यूक्रेन ने इन सब आरोपों से जो है इनकार कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, राइट। बट रशिया जो है वो ये आरोप लगाती है और यूक्रेन वो आरोप लगाती है कि रशिया जो है वो वहां से मिलिट्री लेकर जा रहा है। तो अभी तक ये मामला जो है वो सुलझा नहीं है, राइट। और इसके अलावा जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उनका कहना यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने इस प्रकार से यूक्रेन को इन्फ्लुएंस कर दिया है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नजर आ रहा है, लगातार डिस्टर्बेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इसको अगर कंट्रोल करना है तो किसी ना किसी प्रकार का एक इंटरनेशनल कानून और सख्त कानून जो है वो लाने की आवश्यकता है। तो ये व्लादिमीर पुतिन का जो है वो कहना है। इसके अलावा कुछ मिन्स्क एग्रीमेंट भी है, जैसे कि क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि मिन्स्क एग्रीमेंट, मिन्स्क समझौता जो है वो किसके बीच में हुआ है। तो ये यूक्रेन के इश्यूज को शांत करने के लिए ये समझौता हमें देखने को मिला है। तो पहला मिन्स्क समझौते की अगर बात करें तो यूक्रेन और रशिया जो समर्थित अलगावादी जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो सेपरेटिस्ट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, इन्होंने सितंबर 2014 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में 12 सूत्रीय संघर्ष विराम समझौते पर सहमति व्यक्त की थी। 12 पॉइंट्स सीज फायर डील जो है वो इन्होंने कंडक्ट करी थी और इसके प्रावधानों में कैदियों का आदान प्रदान, यानी कि जो भी कैदी थे, राइट, यानी कि जो प्रो रशियन जो कैदी थे, या फिर आप कह सकते हो कि रशिया ने कुछ यूक्रेन के जो लोग हैं उनको अपने जेल्स में बंद कर दिया था, और जो यूक्रेन ने कुछ लोगों को मतलब अपनी जेल में जो है बंद कर दिया था जो प्रो रशियन थे, राइट, तो उनको जो है वो छोड़ा जाए, यानी कैदियों को जो है वो रिलीज किया जाए, और मानवीय सहायता का वितरण और भारी हथियारों को तैनाती से हटाया जाना शामिल था, यानी कि जितने भी वेपन्स वगैरह है आपकी स्टेट में लोगों के पास उसको हटाओ, लोगों से वेपन जो है वो वापस लो, राइट, किसी प्रकार से हथियार जो है वो लोगों के पास नहीं होने चाहिए जिससे कि दंगे वगैरह यहाँ पर हो, राइट। बट फिर भी लगातार इस समझौते का भी वॉयलेशन होता रहा। फिर एक और समझौता हुआ मिन्स्क 2 जो 2015 में हम लोग को देखने को मिला, ये ओपन कॉन्फ्लिक्ट जो था इसको खत्म करने के लिए हुआ था, ये भी एक पीस एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिला था फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता में, राइट। बट फिर भी हम लोग को देखने को मिला कि लगातार लड़ाई हो ही रही है, लगातार टेंशन जो है वो दोनों के बीच में हो ही रही है। तो ये था गाइस पूरा ओवर टॉपिक। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक आइडिया आपको लग गया होगा कि क्या स्थिति हम लोग को यूक्रेन पर देखने को मिल रही है और किस प्रकार से ये स्थिति डेवलप हुई है, राइट गाइस। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक में नाटो के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि नाटो एग्जैक्टली है क्या, और अभी रशिया और नाटो के बीच में क्या मुद्दा चल रहा है यूक्रेन को लेकर, तो इस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो रशिया ने अपने 1,00,000 सोल्जर्स को यूक्रेन के पास जो है वो तैनात कर दिया है, 1,00,000 सोल्जर। तो ऑब्वियस ही बात है यार, किसी कंट्री की बॉर्डर एरिया पर अचानक से वो उस पार देखेगा सरहद के उस पार और उसको 1,00,000 सोल्जर दिखाई देंगे तो उसकी तो हालत खराब होगी कि भैया ये करना क्या चाह रहा है सामने वाला, राइट, कहीं ये कंट्रोल तो पूरा नहीं करने जा रहा मेरी कंट्री में, लड़ाई युद्ध तो नहीं छेड़ने वाला, तो डरेगी कोई भी कंट्री, स्वाभाविक सी बात है, डरना तय। तो हुआ यही है, इसने एक टेंशन क्रिएट कर दी है रशिया ने यूक्रेन के पास 1,00,000 अपने सैनिकों को तैनात करके, राइट। और हुआ क्या है, इसने ये डिमांड करी है रशिया ने कि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सदस्य बने हैं मई 1997 के बाद, तो वहां से नाटो अपनी फोर्सेस, अपनी आर्मी जो है वो निकाल ले यूरोप के रीजन से, वहां से, यानी कि जो भी सदस्य इसके बने हैं तो वहां नाटो के 1997 के बाद, तो वहां से नाटो अपनी फोर्सेस जो है वो हटा ले, मेंबर कंट्री से अपनी मिलिट्री को हटा ले, और अगर ऐसा करेगी नाटो तो रशिया जो है वो यहां से अपनी मिलिट्री को भी पीछे कर देगा। तो आपको पहली बात तो जिनको नहीं पता है नाटो के बारे में, एक बेसिक सा मैं आपको आइडिया अभी देता हूं, फिर बाकी थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे नाटो के बारे में। गाइस देखो है क्या, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि नॉर्थ अटलांटिक क्षेत्र में सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना है, एक मिलिट्री ग्रुप है। इस ग्रुप का प्रिंसिपल ये कहता है कि इस ग्रुप में मौजूद जितनी भी कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज, राइट, जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, अगर उनको कोई दूसरी कंट्री छेड़ती है, राइट, यानी कि इस ग्रुप के जो सदस्य हैं, ये मान के चलो कि इन्होंने एक गैंग बना ली है, राइट, इनकी एक गैंग है, नाटो की गैंग है, इसके जो भी सदस्य हैं उनको कोई दूसरी कंट्री अगर छेड़ेगी तो ये पूरी की पूरी गैंग मिलकर उस कंट्री की बैंड बजाएगी, मतलब दुश्मन के अगेंस्ट ही एक होकर जो है वो लड़ते हैं। तो ये इनका बेसिक प्रिंसिपल है नाटो का। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है नाटो की, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, राइट, नाटो के बारे में। तो उसके बाद क्या किया कि नाटो एक ट्रीटी, ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है मान के चलिए। तो ये क्या करता है, अपनी मेंबर कंट्रीज में अपनी मिलिट्री जो है, फोर्सेस जो है वो तैनात कर देता है।
कि कल को उनकी मेंबर कंट्रीज को अगर आवश्यकता पड़े तो उनकी फोर्सेज रेडी हो, इनकी खुद एक अलग स्पेशलाइज फोर्स रहती है, राइट, आर्मी आप कह सकते हैं, फोर्स आप कह सकते हैं, फोर्स ज्यादा बेटर वर्ड है, राइट। तो हुआ यह है कि नाटो की जो मेंबर कंट्रीज है वहां पर नाटो के साथ फोर्सेस तैनात रहती हैं, राइट, उनकी मिलिट्री तैनात रहती है, उनके जवान जो है वो तैनात रहते हैं। तो रशिया ने बोला कि भैया नाटो से कि तुम अपने जो मेंबर कंट्री है आपकी यूरोप के अंदर, जिन मेंबर कंट्री को आपने एडमिशन दिया था, जिन्होंने ज्वाइन किया था 1997 मई के बाद, तो आप वहां से अपनी फोर्सेस जो है वो हटा लें, पहली बात तो, राइट। और अगर आप ऐसा करेंगे तो रशिया जो है उसने कहा कि मैं अपने 1,00,000 सैनिकों को जो है वो पीछे ले लूंगा। तो इसका सीधे सीधे मतलब यह है कि नाटो अब बाल्टिक नेशन यानी कि लाटविया, इस्टोनिया, लुथियानिया और सेंट्रल यूरोपियन स्टेट्स जैसे कि पोलैंड, हंगरी और शेज रिपब्लिक और बाल्कन स्टेट्स जैसे कि क्रोशिया और स्लोवेनिया, तो यहाँ पर नाटो जो है वो अब अपनी एक्टिविटीज कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये चीज जो है वो क्लियरली रशिया ने जो है वो नाटो से जो है वो कही, राइट। और रशिया ये भी चाहता है कि नाटो अपने फर्दर एनलार्जमेंट के प्लान्स को ड्रॉप कर दे, मतलब और बढ़ाने का, यानी कि अपनी मेंबर कंट्रीज को और ऐड करने के प्लान्स जो है वो हटा दे, छोड़ दे, राइट। इसका मतलब ये है कि ना नाटो यूक्रेन को ऐड करेगा, नाटो के अंदर शामिल करेगा, ना जॉर्जिया को शामिल करेगा एज अ मेंबर के तौर पर। एक और डिमांड इसने सामने रखी रशिया ने कि नाटो जो है वो किसी भी प्रकार की ड्रिल्स वगैरह जो है वो ईस्टर्न यूरोप में, यूक्रेन में, जॉर्जिया में कंडक्ट नहीं करेगा। ड्रिल बताओ ना आपको, ड्रिल क्या होती है, मतलब जैसे कि आप जैसे एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं ना, एग्जाम में बैठने से पहले आप मॉक टेस्ट लिखते हैं, तो वही ड्रिल होती है, ट्रेनिंग एक प्रकार की, राइट। एक प्रकार की एक ऐसा माहौल बनाया जाता है, सिचुएशन बनाई जाती है और उस पर फिर वो ये ट्रेन करते हैं अपने आप को, है ना, तो वो ड्रिल होती है। तो ऐसी ड्रिल जो है वो नाटो जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा ईस्टर्न यूरोप में, यूक्रेन में, जॉर्जिया में, बिना रशिया की परमिशन के बाद, मतलब पहले उसको रशिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर वो चाहे तो ड्रिल कंडक्ट कर सकता है। तो ऐसी डिमांड रशिया ने नाटो से करी है। अब नाटो मतलब सीधे सीधे यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला भाग यहां से, रशिया को बोला कि बहुत तुम्हारे ये फालतू की चीजें जो तुम बोल रहे हो, ये सपने जो देख रहे हो, भूल जाओ। क्योंकि रशिया जो यूएसए को चैलेंज कर रहा है, और आप जानते हैं यूएसए और रशिया कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के, और ऑब्वियस ही बात है कि यूएसए चुप तो बैठेगा नहीं, राइट। यूएसए ने बोल दिया, जो करते बने कर ले, हम तो कंटिन्यू रखेंगे, तू होता कौन है रोकने वाला। यूएसए ने बोला कि भैया यूक्रेन और जो दूसरी जितनी भी कंट्रीज है उनके पास खुद के पास अधिकार है अपने फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करने का, राइट। वो ये सब कंट्री तुम्हारे नीचे थोड़ी ना आती हैं, तुम्हारे अंडर थोड़ी ना आती हैं कि तुम इनके ऊपर जो है वो फॉरेन पॉलिसी थोपोगे, इनको सिखाओगे कि इनको किससे दोस्ती करनी किससे नहीं करनी, इनको सिखाओगे कि इनको किससे किस अलायंस में किस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होना या नहीं होना। तो यूएसए ने सीधे सीधे रशिया को कहा कि भाग यहां से, जो करते बने कर ले। और इवन ये भी कहा कि रशिया का जो आइडिया है वीटो पावर का, कि रशिया डिसाइड करेगा कि कौन नाटो का सदस्य बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो बोला कि तुम कौन होते हो बेटा ये डिसाइड करने वाले कि कौन हमारा सदस्य बनेगा कौन नहीं बनेगा, है ना। और इवन नाटो ने हालांकि ये वाली चीज भी कही है कि नाटो किसी भी प्रकार से ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगा जिसके कारण से ईस्टर्न यूरोप अफेक्ट हो बिना वहां पर मौजूद जो कंट्रीज है उनके कंसर्न के, राइट, उनकी सहमति से। मतलब कि अगर नाटो अगर ईस्टर्न यूरोप को लेकर या ईस्टर्न यूरोप में कोई भी डिसीजन अगर ले रहा है तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को साथ में रखकर उनकी सहमति से लेगा, वरना नहीं लेगा। तो ये वाली चीज भी इसने क्लियरली जो है वो मेंशन करी हुई है, राइट। तो बाकी ये था पूरा ओवरऑल मुद्दा जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, बट मेन चीज जो है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना, राइट। तो इस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप तो ये ध्यान में रखिए कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है कि इसकी जितनी भी मेंबर कंट्रीज है उनको अगर कोई नॉन मेंबर कंट्री अगर छेड़ेंगी, राइट, डिस्टर्ब करेंगी, उनसे पंगा लेंगी, तो ये पूरा का पूरा गैंग मिलकर उस कंट्री की 12 बजा देगा। मतलब कि एग्जांपल के तौर पर इसकी एक कोई मेंबर कंट्री है, ठीक है, नाटो की, उस पर अगर किसी नॉन नाटो मेंबर कंट्री ने अगर अटैक कर दिया तो क्या होगा, ये सभी की सभी कंट्री नाटो की मेंबर कंट्री मिलकर वो नॉन मेंबर कंट्री के ऊपर हमला बोल देंगी हर जगह से, राइट। तो ये इनकी बेसिकली एकता रहती है। अब आप पूछोगे सर अगर नाटो की मेंबर कंट्रीज के बीच में कोई विवाद हो गया तो ऑब्वियस ही बात है, बोलते हैं कि भाई भाई के बीच में विवाद है तो भाई भाई सुलझे, फिर उसमें ये कुछ नहीं बोलते, राइट, उसमें थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चल जाते हैं, पहले तो ये मतलब बातचीत करके सुलझाने की कोशिश करते हैं अगर कोई विवाद उठता है तो, बाकी फिर उन पर छोड़ देते हैं, फिर उन पर अटैक नहीं करते, इस तरीके की नाटक नहीं होता इनके बीच में। बोलते हैं भाई भाई लड़ रहे तो भाई भाई देखो यार अब तुम आपस में सुलझो, राइट, तो उसमें नहीं उलझते। बट हाँ कोई तीसरे व्यक्ति ने उंगली करी तो फिर उसकी बैंड बजा देते हैं ये लोग, राइट। तो ये है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये हम लोग को देखने को मिलता है।
इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, राइट, वॉशिंगटन ट्रीटी के तहत इसको बनाया गया था, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ये वॉशिंगटन ट्रीटी के तहत नाटो को बनाया गया। 4 अप्रैल 1949 को ये वॉशिंगटन ट्रीटी साइन हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नाटो का ब्रसल बेल्जियम में देखने को मिलता है और एलाइड कमांड ऑपरेशन का इसका हेडक्वार्टर मॉन्स बेल्जियम के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर ओरिजिनली हम लोग को 12 सदस्य देखने को मिले थे और अभी इसके अंदर 30 सदस्य हैं और मोस्ट रीसेंट जो सदस्य है नाटो का वो नॉर्थ मैसेडोनिया है। और नाटो की मेंबरशिप ओपन है किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए, राइट, और अगर वो यूरोपियन कंट्री इस ट्रीटी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकती है तो वो मोस्ट वेलकम है और उस कंट्री को नॉर्थ अटलांटिक एरिया में सिक्योरिटी सुरक्षा जो है वो बरकरार रखनी पड़ेगी। तो अगर ये चीज अगर यूरोपियन कंट्री अगर फॉलो करती है तो वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकती है, मेंबर बन सकती है। ठीक है, तो ये था गाइस बेसिक सा टॉपिक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। नाटो, नाटो के बारे में आपको ऑलरेडी गाइस पूरी इन्फॉर्मेशन क्लियर है कि नाटो जो है वो है क्या, यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या इश्यूज चल रहे हैं, इसकी भी प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग है ही। तो रशिया ने बोला है कि ये अपनी यूक्रेन से फोर्सेस जो है वो हटा लेगा, बट नाटो और यूएसए का कहना है कि वो कन्विंस नहीं है, वो बोल रहा है कि ये तो सिर्फ बात कर रहा है, ये हटाने नहीं वाला है। तो बस इसको लेकर एक छोटी सी अपडेट थी, न्यूज थी, जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बट आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या इशूज है, ये कब से शुरू है, इस पर एक अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नाटो क्या है, राइट, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में बहुत अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। वॉशिंगटन ट्रीटी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि नाटो जो है वो किस ट्रीटी के तहत एस्टैब्लिश हुई, तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट, इसके आज की डेट में कितने मेंबर्स हैं, लेटेस्ट इसके मेंबर कौन से हैं, तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी इसकी पता होनी चाहिए। इसके पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए।